सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अज का दिन है जी अपना संडे का। सो अज का दिन अपना प्लान है आप बाहर जावे घूमेंगे फिरेंगे थोड़ी साइट सीइंग करेंगे जो कि मैं ऑलमोस्ट हर वीकेंड पर करता जो तो मैं अल्बर्टा मूव होया। बट अज का दिन थोड़ा स्पैशल है क्योंकि अज का दिन असं जा रहे हैं लेक लुई एंड उसके आसपास लेक मोरीन वगैरह सारी जगह। सो मैं कोशिश करूँगा मैं सारी जगह पर जा सकता ठीक है जी जिदा भी वैदर वगैरह अलाउ करता। तो बाकी जी चीज़ मैंने अज नहीं पता लगी हुई है कि लेक लुई तो 10 किलोमीटर से बीच की शुरू होता यानी कि ब्रिटिश कोलंबिया। सो मैं कोशिश करूँगा मैं ब्रिटिश कोलंबिया भी एंटर कर जाऊँ उत्थे भी थोड़ा बहुत घूम फिर लाँ। सो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते आप चलो चलते। सो जी अद्धा दिन काफ़ी गड्डिया निकलिया हुई हाईवे से सीम्स लाइक एवरीबडी इज ट्राइंग टू गेट मोस्ट आउट ऑफ दिस लॉन्ग वीकेंड। तो देखते हैं अपने कितना रश मिलता है रस्ते में या फिर उत्थे पहुँच के। तो बाकी मैं अद्धा दिन सवेरे एक काम वधिया कीता मैं बैंफ वाले की वैबसाइट पर जाके उत्थे लाइव रिप्रेजेंटेटिव नाल गल करन दा ऑप्शन हुंदा। सो मैं उन्होंने गलबात करके पूछ लिया सी भी खुली आ जगह एक्सेसिबल हैगी गड्डी लगाउण दे लई है ना। तो उन्होंने मैं दस्या सी भी लेक मोरीन तो लैंडस्लाइडिंग करके बंद आ रस्ता बट लेक लुई खुली आ तो तुसीं गड्डी लैके आ सकते हो। तो उन्नीक इनफॉर्मेशन मैं पहला इकट्ठी कर ली सी। बाकी जिन्नी गड्डिया साले तो देखदियां पईआं सीम्स लाइक पार्किंग फुल ही होने वाली आ। बाकी आप चलते हैं वैसे टाइम तो निकलिया मैं अज 11:30 बज रहा तो ऑलरेडी मैं हाईवे पर हाँ यूजली मैं 12 बजे तो उठता छुट्टी वाले दिन। बाकी चलो चलते हैं तो देखते हैं। सो जी मैं इतने क्विक स्टॉप लेता सी मैं सोचा टाइम तो चाह ले लीती जाए नाल रैप ले लिया जाए खाने क्योंकि मैं सवेरे ब्रेकफास्ट नहीं करके तुरंत। एंड जो पेट्रोल पंप ना काफ़ी पॉपुलर स्टॉप आ जो तुम बैंफ की तरफ जा रहे हो क्योंकि इतने तुम्हें पेट्रोल भी मिल जाता गड्डी फ्यूल फिलअप कर सकते हो वॉशरूम एक्सेस अंदर थोड़ा बहुत स्नैक्स भी है बाकी टाइम तो अपना हैगा ही आ। तो मेरे पिछे इतने तुम देख सकते हो इतों पहाड़ी एरिया पूरा शुरू हो चुका वा। तो मौसम हाले भी ठीक आ मतलब इस वेल सनी तो नहीं रहा थोड़ा क्लाउडी हो गया बट हाले भी ठीक आ मौसम इन्नी ठंड नहीं लग रही मे बी मैं अज हुडी पा के निकले इस करके। बट हुण रस्ता काफ़ी रहिंदा हले कवर करन वाला सो आपां चलदे आं मैं नाल चाह पीना रैप खाना ते गड्डी चलाना। सो चलो चलिए। हलो जी असं पहुँच चुके हैं लेक लुई एंड पिछे तुम देख सकते हो इतने बस इतने तक आँदी है। तो अगर तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट लैना तो वो ले सकते हो बट अज का दिन तो इतने पार्किंग खुली डुली अवेलेबल एंड फ्री पार्किंग आ। सो ये चीज़ काफ़ी वधिया होगी मन लग्या कि पार्किंग पुरकिंग नहीं मिलने लगी क्योंकि उन्होंने वैबसाइट पर मैनशन है कि मई तो पीक सीजन शुरू होता हालांकि हले अप्रैल चल रहा बट कहते सवेरे 6 बजे तो बाद ही पार्किंग नहीं मिलती। सो मन लगे शायद नहीं मिलेगी बट फॉर्चुनेटली पार्किंग अपने मिल गई वो भी फ्री। सो जी इतने हवा काफ़ी चल रही है एज कंपेयर टू पार्किंग लॉट। पार्किंग लॉट से नहीं पता चल रहा है एंड ए रहा वो आइकॉनिक स्पॉट लाइक ए मैंशनड पूरा पिछे जमे होया लुकी चल रहे उत्ते बट काफ़ी लोग इतने फिसल भी रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी है इस टाइम पर। सो जी हवा इतने बहुत ज़्यादा चलती भी है काफ़ी ठंडी हवा आ आई थिंक आप बिल्कुल पहाड़ के खड़े हैं इस करके एंड ए उही आइकॉनिक स्पॉट है जो अपने काफ़ी बार वीडियोज़ या फोटोज़ देखने को मिलता वा जहाँ पानी बिल्कुल ही वधिया जे सोहणे जे रंग दा एंड तुहानू पिछे दिखाना मैं अपने शायद तुहानू हवा की भी आवाज़ आ रही होवे काफ़ी तेज़ हवा चल रही है एंड इतने इन्ने ज़्यादा लोग मैं इतने तिलकते हुए देख रहे ना बहुत सारे लोग स्लिप हो रहे हैं एंड मैं तो शूज़ भी एकदम रेगुलर जे पा गया बट मैं बह बह के उतर गया इतने नहीं तो बहुत ज़्यादा लोग मैं इतने टिकते हुए देख लिया हूँ तक क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी है इतने इट सीम्स लाइक इतने स्नो काफ़ी भर भर के पैंती है
एंड हाले तक तो इतने बिल्कुल ही दो दो फुट तक बर्फ हैगी बड़े आराम नाल। सो जी जेडे मेरे बाल आ पूरी तरीके ना फ्रीज हो चुके हैं क्योंकि मैं सवेरे शावर लिया एंड निकल गया मैं अपने लगाया नारियल तेल। हूँ अल्बर्टा के आ के मैं चीज़ ज़्यादा देखी है कि मैं तो हूँ चलो ना बाल तेल तूल लगाना कोई क्रीम वगैरह नहीं, कोई फैंसी प्रोडक्ट नहीं लगाना। सो जिदा ही मैं घरों बाहर निकलता ना ही मेरे बाल पूरे जम जाते। सो मैं हाथ लगा के देखूंगा मैं इदा फील होगा कि पूरा मतलब फ्रीज हो चुके मेरे बाल, कोई पोजिशन नहीं यदि चेंज होने लगी, हूँ वैक्स वगैरह की कोई जरूरत नहीं हैगी, बाहर निकल आओ ठंड में अपने आप ही ताड़े बाल सैट हो जाने हैं। सो जी इस वेल मैं एंटर हो गया वा इन्हों के होटल के जोड़ा कि इतने नाल ही है होटल लेक लुई के, काफ़ी फेमस होटल है ये भी, मैं काफ़ी बार देखे इंटरनेट के उत्ते बट अज फाइनली इन परसन आनू मिल गया। तो पहला तो थले हले मैं लैवल तो घूमता वा इतने दुकाना वा काफ़ी सारिया एंड मेरा मूँह थोड़ा थोड़ा फ्रीज हो गया बट अंदर आ गया काफ़ी वधिया लग रहा, अंदर गर्मी है एंड बेस्ट पार्ट इज तुसी इत्थे आ सकते हो। अगर तुसी लेक लुई घूमन आने हो तुहानू कोई जरूरत नहीं है तुहाडी रेजरवेशन होनी चाहिए होटल के, सिंपली अंदर आ जाओ एंड तुहानू कोई कुछ पूछेगा। सो जी इस होटल की वाइब्स काफ़ी वधिया, इत्थे एंबियंस काफ़ी नाइस आ एंड इहदा नाम हैगा फेयरमोंट होटल। जिस तक मैनू पता वा इस होटल का जिहड़ा एक रात का किराया वा ना हैगा अराउंड $500। सो इत्थे रहना हर किसी दे बस की गल नहीं हैगी। सो जी अपने लेक लुई के दर्शन इत्थे खत्म होंदे आ, हुण आपां चलदे आ गड्डी विच बहिंदे आ। तो लाइक आई मैंशनड कि ब्रिटिश कोलंबिया इतों 10 किलोमीटर की दूरी पर ही उहदा बॉर्डर आ, मतलब उत्थों ही स्टार्ट हो जाता। सो आपां हुण चलते हैं ब्रिटिश कोलंबिया वाल, देखते हैं सानू आस पास कोई वधिया जगह देखने को मिलती है। बाकी जो मैं जगह वगैरह सिलेक्ट करता हूँ ना सानू कित्थे जाना आ, तो मैं चैक किया कि इत्थे अल्बर्टा दे विच हाइकिंग जगहां बहुत घैं वा, मतलब लोग अपने कुत्ते तक पता नहीं किन्नी वधिया वधिया जगहां तक लैके गए बट अनफॉर्चुनेटली उत्थे तुसीं इदां रैगूलर शूज़ या रैगूलर कपड़े पा के नहीं जा सकते, उहदे लई तुहानूं प्रॉपर गेयर चाहिए एंड आई बिलीव तुहानूं उह स्किल्स भी चाहिए कि तुसीं हाइक कर सको पहाड़ दे उत्ते, क्योंकि उह सीधे सीधे पहाड़ आ प्रॉपर हाइकिंग वाले। बाकी व्यू बहुत घैं आउंदा उहनां पहाड़ां तों। लो जी इस वेल असं पहुँच चुके हैं ब्यूटीफुल ब्रिटिश कोलंबिया। खैर इन्ह की गड्डिया के पिछले लाइसेंस प्लेट तो यही लिखा होंगे एंड मेरे पिछे तुम देख सकते हो पहाड़ वगैरह पूरे काफ़ी व्डे व्डे पहाड़ है, जाइंट कहूँगा मैं एंड मेरे इधर रेलवे ट्रैक्स जा रहे हैं। तो छोटा जहा टाउन है, खैर जिते मैं सोचा सी उत्थे तो मैं नहीं रोक पाया बट छोटे जे टाउन च रोकया मैं इतने, आई बिलीव आबादी सिर्फ 50 बंद की होनी है। तो जिथे मैं सोची थे उत्थे रोक पाया, मैंने उत्थे दी एंट्री नहीं मिली। सो बेसिकली मैं हाईवे पे चल रहा सी सीधा सीधा 100 दी स्पीड ते एंड गूगल मैप्स ने कहा रीच्ड यू हैव रीच्ड योर डेस्टिनेशन, तो मैं क्या भरा हूँ कितने गड्डी रोका। सो इस करके फिर मैं चलो थोड़ा जि अगे आ जाने एंड वधिया जगह देख दी है तो आप पुल ओवर कर लाँगे, इस करके मैं इतने रोकया। तो बई ब्यूटीफुल तो हैगा ब्रिटिश कोलंबिया, क्योंकि अपने अल्बर्टा दे विच मैं कहूँगा कि अपने उत्थे लेक लुई के आस पास जाके काफ़ी जाइंट जाइंट पहाड़ दिखने शुरू हुए थे बट इतने तो है ही जाइंट आ, हाले तक तो जाइंट ही पहाड़ चल रहे, काफ़ी सोहने लग रहे। मैं कश्मीर तो कदे गया नहीं बट आई बिलीव कश्मीर भी बहुत सोहना होना क्योंकि ये जगह ही बड़ी सोहनी है। तो बाकी इतने की तो लेक्स वगैरह हाले फ्रोजन है, एम नॉट श्योर तुम पिछले देख पाओगे कि नहीं, हाले इतने लेक्स फ्रोजन है बट सोहनी है, काफ़ी वधिया वा इतने। लो जी हुण असीं लै रहे अपने दिन का आखिरी स्टॉप जिहड़ा कि हैगा बैंफ डाउनटाउन एंड इत्थे रुकण दे दो रीजन सीगे, एक तो सीगा मैं गड्डी 'च फ्यूल भरन आया एंड दूजा मैं सोचा भी कुछ खा पी लिए एंड रौनक मेला इत्थे काफ़ी आ। सो फार कैलगरी आके मैं सब तो ज़्यादा रौनक मेला इत्थे ही देखा एंड मैं सोचा भी इत्थे रुके कुछ खा पी लैंदे आ एंड तुहानू भी थोड़ा रौनक मेला दिखा लैंदे।
ਦਿਨ ਐਂਡ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਈਟਮ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਬੀਵਰ ਟੇਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਈਟਮ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਪੇਸਟਰੀ ਅਤੇ ਪੇਸਟਰੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਇਹਦਾ ਬੇਸ ਹੈਗਾ ਪੂੜੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹਨੇ ਟੋਪਿੰਗਸ ਪਾਈਆਂ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੋਕਲੇਟ ਵਾਲੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਟ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਬਣਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂੜੀ ਜੀ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੋਕਲੇਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਵਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲੀ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਫਿਊਲ ਅਪ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਖਤਮ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਚੰਗੀ ਕਰ ਦਿਓ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਐਂਡ ਮਿਲਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਐਂਡ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਚੰਗਾ।